फिरौन, आप दोनों जाइए फिरौन की तरफ। इन्नहु तगा, इसने क्या की है, इसी से निकला है ताहूत। ताहूत यानी अल्लाह के मुकाबले में जो सरकशी करे उसे ताहूत कहते हैं। और या वो ताहूत, इन काफिरों के सरपरस्त, इनके वली वो ताहूत है, यानी वो ताकतें जो अल्लाह के मुकाबले पर आ जाए। माना समझ में आ गया? तो फिरौन कौन है? ताबूत। नमरूद कौन है? ताबूत। यजीद कौन है? ताबूत। शर्दाद कौन है? ताबूत। और आज के दौर में जो भी मुकाबले पर आ रहा है मुस्लिम के, वो कौन है? ताबूत। इसलिए अगर कहीं कोई आदमी ताबूत का लफ्ज इस्तेमाल करे तो परेशान न हुआ करो। हमने इस्तिलाहे दाएं बाजू और बाएं बाजू से नहीं ली, हमने वही इस्तिलाहे ली है जो कुरान ने दी। कुरान इन तवाइते सकते हैं। जैसे ही जनाब मूसा को हुक्म हुआ, तवज्जो रहेगी ना, देखिए बच्चे को, बच्चों को भी मैं खाली हाथ नहीं भेजूंगा, छोटे बच्चे। हाँ 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 हाँ। एक तबरुक तो आपको मिल गया ना, अभी रूह का तबरुक मैं दूंगा। ये तबरुक मैं आपको देके भेजूंगा, बच्चे बच्चे, इसलिए सब तवज्जो रखे जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह मतलब बयान करना चाह रहे हैं आपको। जनाब मूसा को हुक्म हुआ इसाबेला फिरौन इन नौतला, मूसा जाइए, तो जनाब मूसा ने दुआएं की, दुआओं को कुरान ने नकल कर दिया। कुरान ने दुआओं को नकल किया, जैसे इंशाल्लाह जिंदगी रही दो तीन दिन, अभी हमें दो दिन पढ़ना है, तीन चार जगह बाकी दुआएं पढ़ेंगे, लेकिन अभी जनाब मूसा की दुआ लीजिए। जैसे हुक्म जाइए तो जनाब मूसा ने दुआ की, रब इशरह ली सदरी। पहली दुआ क्या मांगी? फिरौन से मुकाबला है भाई, मजाक थोड़ी है, मूसा अकेले और फिरौन उस वक्त की सुपर ताकत जो कह रही है रब को गुमराह। क्या नारा लगाया था फिरौन ने? ना मैं तुम्हारा सबसे बड़ा पालने वाला, यानी मैं चाहूं तो तुम्हारा हुक्का पानी बंद, बिजली बंद, पानी बंद, खाना बंद, गंदम बंद, रोटी बंद, कर्जा बंद, बैंक बंद। इसे कहते हैं ना रब को बुलाना, मैं चाहूंगा तनख्वाहें बंद, बैंक बंद, सब हो जाएगा ना, इसे कहते हैं ताबूत। इसे कहते हैं ताबूत, जो तमाम वसाइल पर कब्जा करने के बाद लोगों को अपना मोहताज बना लेता है, अपना मोहताज बना लेता है, जमीन फरोश, दीन फरोश, मुल्ला भी, हुक्मरान भी, सियासतदान भी उसी ताबूत के पीछे दौड़ रहे होते हैं कि ये नाराज हो गया तो हुकूमत कैसे मिलेगी। इसे कहते हैं ताबूत। ताबूत को भी सब डर रहे हैं, जिसकी हुकूमत है वो भी उससे डर रहा है कि कहीं मेरी हुकूमत ना छीन ले, और जिसे नहीं मिली वो भी उससे दोस्ती के चक्कर में कि भाई तू राजी हो तो हुकूमत मिल जाए। है सब वही के दौरे कर रहे हैं ना, ताबूत के पास जाते ना उसको, नहीं इसको राजी करो ताबूत को। अब जनाब मूसा को हुक्म हुआ इससे मुकाबला करना, जाइए इस तादाद से। हाय हाय, एक तो अल्लाह ने ये भी बता दिया कि तादाद को मत देखना कितने हो, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, ईमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईमान होना चाहिए, ईमान। हाय हाय हाय, रब इशरह ली सदरी, महमूद मैं राजी हूँ, ये नहीं कहते मैं कैसे रहूंगा, परवरदिगार मुझे शरह सदर दे दे। हाय हाय, क्या दे दे? शरह सदर, यानी मुझे दिल बड़ा दे। ऐसे कामों के लिए वुसअते कलबी चाहिए ना, मुझे बर्दाश्त, जिसे कहते हैं मुझे बर्दाश्त चाहिए, बहुमत इंसाम, क्या 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 क्या, अपने दुश्मन, दूसरे दुश्मन, झूठी दो मते, झूठे इल्जाम, कौन कौन सा इल्जाम है जो जनाब मूसा पे नहीं लगा, हर नबी पे लगा, क्या रब इशरह ली सदरी, इतना बड़ा मालिक है, शरह सदर दे, वुसअते कलबी दे, रब इशरह ली सदरी, परवरदिगार मुझे शरह सदर दे, बालो मुकद्दम मिन लिसानी वयस्सर ली अमरी, इस अब तो मेरे लिए पहले वयस्सर ली अमरी, इतना बड़ा मार्ग है मेरे लिए आसान कर, यानी जिस मार्ग के लिए मैं घर से निकला हूं आपको मेरे लिए आसान कर दे, बालो मुकद्दम मिन लिसानी, मेरी जबान की गिराह को खोल दे। हमारे कुछ बिरादरान कहते हैं वो जबान पे अंगारा रख लिया था, तोतले हुए थे, तोतले तुम होते हो, मासूम नहीं होता है, समझ गए? बालों को तो तब मेरी साड़ी का क्या मतलब है, मेरी सवाल की गिरा खोल, यानी मुझे कुवत है बयान दे। हाँ हाँ हाँ
माने या ना माने समझ तो ले, समझ तो ले, हाँ समझाने के लिए कुवत है बयान, जरूरी है, तो इस कुवत बयान का इस्तेमाल लोगों को दीन से भगाने के लिए करता है, तो इसका इस्तेमाल लोगों को दीन में दाखिल करने के लिए, कुवत बयान तो सबके पास है, सबके पास, कोई अल्लाह से भगाता है, कोई अल्लाह के करीब लाता है। Come on, look at me.
بس میری تھا رکشے کے پیچھے لگا کسی سے مدد نہیں مانگو اللہ سے اللہ سے مانگو اور جناب موسیٰ کیا کہہ رہے پروردگار مجھے ایک مددگار دے اپنے گھر سے بھیجنا تاکہ مدد کرنے والا بن
हमें कयामत के लिए इससे मदद करने वाला बना दिया। की कोई मदद करने वाला बनाया। जब तक अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही है, दिफा करने के लिए वलीउल्लाह मौजूद है। कयामत तक के लिए वलीउल्लाह मौजूद। आप समझ में आ गई बात? क्यों अल्लाह के घर में आया? एक वजह और सुनो, और मैं कभी मतलब बयान करने में खयानत नहीं करता। खयानत का क्या मतलब? कि अगर किसी बुजुर्ग आलिम में दीन का नुक्ता है ना, तो उसका नाम जरूर लेता हूँ। पढ़ने वाले को समझा, अगर किसी आलिम का नुक्ता बयान किया करो तो उसका नाम लिया करो, ताकि तुम्हारे इल्म में इजाफा हो। वाह वाह वाह, नहीं नहीं, चोरी नहीं चलती, इनमें खयानत नहीं चलती। तो आप इसका है, और इतने बड़े आलिम का कि उसकी रूह खुश हो जाती है। मैंने उसका नाम भी, मेरे अजदाद, मेरा हक भी है, मेरे जद है, ज्यादा मैं उनका नकल साफ सुना है ना, सैयदुल उलमा सैयद अली नकी नकी साहब, नकल साफ का आलिम मुकाम। उनसे किसी ने सवाल किया, अली काबे में क्यों आए? Yeah!
डॉक्टर लोग अगर कोई है डॉक्टर सलामत इसके बाद क्या हुआ बिस्मिल्लाह अभी परवरदिगार बहुत सारे आपने कहा मैं दुआ करता हूँ सबको तौफीक दे हज या उमरा बजाना है और दिल में तड़प रखी है शहादत की और उसकी इसलिए तड़प रखी है कि जाके वो निशान तो देखो इसलिए हज को जाओ इसलिए उमरे को जाओ जब तवाफ करोगे ना तो शुक्र खुदा ले आएंगे हाय 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 परवरदिगार पे क्या बात है बाबा पुकार पुकार कर कहेगी अली 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 बाल बने में दावे दे घूमा बिस्मिल्लाह इसकी तड़प रखो दिल में अल्लाह के मौला मुझे दे मौका बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह तो अब वो जो मैं बात रस करना चाह रहा था आपसे उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा वहां पे मैंने देखा लोगों को कि रुकने जमाने जहाँ वो दर बना है मौला के और आपको मैंने बता दी कि 90 से ज्यादा बार तामीर हो चुका है बड़ी कोशिश करते हैं उस मकाम पे आकर सिर्फ उस जगह मीखे और शीश और सारे जगह हर टेक्नोलॉजी चल जाता है वो इतनी बार बना रहे ब्लॉक वहां पर आके उनके टेढ़े हो जाते हैं उन्हें शीशा लगा के भरना पड़ता है क्योंकि निशान मिटाना नहीं चाहता मिटा नहीं सकता मौला है मैंने देखा अफ्रीका के हों अमेरिका के हों कहीं के भी हों मुसलमान वो कोशिश करें कि रुकने ईमानी के पास आते आप टीवी पे देख लिया कि जिस बात कोशिश करेंगे कि आके हाथ लगाते दीवार के साथ खड़े हो जाते सुनना दुआ करते तो मुस्तफा ने आके उनको बगा रहे होते वो फिर वहां वो कर रहे होते अच्छा मुझे तो पता है कहानी लेकिन मैंने वैसे पूछा दो चार से मैंने कहा ये क्या करते हैं आप सही बात इससे ऐसे मांगने से दुआ जल्दी कबूल होती है किसने कहा कोई तो पता नहीं किसने ऐसे पहले किया पता नहीं किसने किया था नहीं मालूम लेकिन ऐसे करते हैं तो इससे दुआ जल्दी कबूल होती है जितनों से मैंने पूछा किसी को वाकया नहीं मालूम कहते भाई ये तो पता नहीं है लेकिन ये बताते हैं मुझे मालूम भाई यहाँ जाके दुआ मांग रहा हाथ ऐसे लगा के सीना इससे लगा के दीवार से दुआ जल्दी कबूल होगी फिर दो चार को मैंने पकड़ के बिठाया मैंने कहा वाकया मुझसे सुन लो ना मैंने देखा खातून चादर में और रोब और दबदबा बड़े मकान से चलती सुकून और वकार के साथ चलती काबे के पास मैंने हैरत से पूछा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से ये ऐसे रोब वकार खातून कौन है अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये सिर्फ हाशिम की पोती नहीं बल्कि अबू तालिब की जौजा भी अब ये बीबी आई और इसने अपने रहम मुबारक को चश्मा किया काबे की दीवार के साथ उसी और दोनों हाथ ऐसे दीवार पे लगाए तारीफ कर रहा हूँ और चैलेंज कर रहा हूँ रिकॉर्ड हो रही है मेरी बात हवा में बातें नहीं करता हाथ ऐसे लगाए दीवार पर और उसको दुआ सबने सुनी जो शहर में बैठे थे कुफ्फार अभी हुजूर ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया सुनो अकीदा सुनो फातिमा बिनत असद का वो यजीद इब्ने कामत कहता है कि फातिमा बिनत असद ने अपने रहम मुबारक को चश्मा किया हाथ दीवार के साथ लगाए और गुफ्तगू शुरू की ऐ मेरे रब
نے دیکھا, ہم سب نے دیکھا کہ فاطمہ بنت صدام اور دیوار کے برابر ہم سب دوڑے. بسم اللہ کلید بردار ہے بنی عبد الدار کو بلایا گیا کہ چابی لاؤ. ابو طالب کی اہلیہ اندر چلی گئی, دیوار بن گئی. اچھا پریشان ہو سوے ابو طالب نہیں ہے, گھر والی کو ہونا چاہیے نا, گھر والا کوئی پریشان نہیں. سارے لاکھ لگے میں تالا نہیں کھل رہا, نہیں کھل رہا. پھر کہتے ہیں کہ ہم سب سمجھ گئے کہ اس میں اللہ کا کوئی راز, اللہ کا کوئی. تین دن بعد جب نکلی تو جانتے ہیں کیا کہتی ہوئی نکلی ہے, بابا کیا کہتی ہوئی نکلی ہے. فاطمہ نے کون ہوئے تعریف اور تفصیلیں پڑھے گی, ابھی دو دن میں سن لیجیے. یہ فرماتی ہوئی نکلتی ہے کہ کتنا فرق ہے مریم میں, سارا میں اور مجھے. میری تسلی نہیں ہوگی نا, سلام حرام کا فرق ہے. جوانی میدان جنگ میں اترتے اپنا تعارف کراتے تھے, علی ابن ابی طالب تاکہ آنے والا حضرت میں مارا نہ جائے. اب ابن ابی طالب نے بھاگنا چاہا تو آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے, جب خندق پار کر کے آیا تھا نا تو کوئی مقابلے پہ نہیں آیا, علی آئے تھے. مختصر کر رہا ہوں, تو علی نے آ کے جب اپنا تعارف سے پوچھا تھا نا آنے والا کون ہے, تو علی نے تعارف کرایا تھا میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں, تو نہیں چاہتا تھا ان کو لڑنا. کہتا تھا وہ تمہارے والد سے میری دوستی تھی, میں اپنے دوست کے بیٹے کو قتل نہیں کرنا چاہتا, چلے جاؤ. تو علی نے کہا تھا میں بڑا دوست رکھتا ہوں کہ تجھے قتل کروں, اور چاہتا ہمیشہ تعارف کا کرایا علی نے بھی تھا. یہاں لیکن یہاں خیبر میں خیبر لوگ جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے آتے رہے. 40 دن کی بڑی دلچسپ کہانی ہے جس کو سننی ہے کل حیدری میں ضرور آئے ان شاء اللہ. 40 دن ہوتا رہا, سب کچھ ہوتا رہا, پھر علی گئے, چلے گئے پتھر پہ لگا رہا. ضروری نہیں تھا, کیوں ضروری نہیں تھا, ضروری تھا پتھر کا علم کرنا, علی کے لیے ضروری تھا. کسی کے لیے ضروری تھا؟ نچومی ہونے تھے. کس کے لیے؟ وہ جو نکلتا تھا نا کھڑکی سے جب اپنا سر نکالتا تھا, جہاں جانے والے جانے والے کہتے تھے کوئی نہیں چلو واپس, 40 دن یہی ہوتا رہا, جاتے رہے مرد کی دھمکی سن کے بھاگتا تھا, یہ بھاگتے تھے کوئی نہیں کہتے کوئی نہیں کوئی نہیں. اب جب اس نے دیکھا اس کو اس کی ماں نے دو نشانیاں بتائیں, کبھی اس کے مقابلے پر نہ جو جو چٹان میں علم گاڑ دے اور جس کا نام ہے حیدر. یہ بس اس کا نام حیدر حیدر سے مت لڑنا, حیدر تیرا قاتل ہوگا. تو اس نے چھاکا, پوچھا آنے والا کون, ہر جنگ میں علی نے اپنا نام بتایا, علی ابن ابی طالب. یہاں پہ کیا کہا, سب
अली ने अपना नाम अली नहीं बताया कि तेरा धोखा हुआ मेरे साथ, धोखा नहीं हुआ तेरे साथ। सर ईमान मेरा आज ही के दिन के लिए कत्ल करने वाला, यानी कभी ऐसी गफलत में किसी को नहीं मारा था। नहीं, ये था हैदर का सबक। इन माँ ने ना क्या नाम रखा? हैदर रखा। सुभान अल्लाह। मुझे बताओ अली की माँ का नाम क्या है? फातिमा बिन कैसर। मानते हो? बिल्कुल। कोई नहीं मानता तो खड़ा हो जाए भाई। मैं से मानते कैसे खड़े होंगे? अली के बाबा का क्या नाम है? अबू तालिब। इमरान का तो बता दे भाई। इमरान वालिद है और बाप है। बिल्कुल। अच्छा, बेटों का क्या नाम? चलो दो तीन नाम बता दो। हसन हुसैन। हसन हुसैन अब्बास यार मोहम्मद यार है। 18 बेटे हैं ना? और बेटियां तीन सही। दो के नाम बता दो। तीन सही। बेटियां कहने का मतलब कि बेटे भी बेटियां भी हैं। तीन। जौजा भी हैं। हमसर भी हैं। है। हमसर हैं। बिल्कुल। हमसर कौन है? मासूम है। कौन है? ऐसे ही है। हसन। बस एक जुमले में खत्म कर रहा हूँ तकलीफ को। अगर अक्ल रखते हो, सब अक्लमंद है माशाल्लाह, एक पैगाम दे के जा रहा हूँ ताकि मेरी जिम्मेदारी वाजिब अदा हो जाए। किसकी जात है? सिर्फ खुदा की। किसकी जात है? हुआ कि रब्बुल इज्जत जानता था कि लोगों को गुमराह करने वाले पैदा होंगे, आएंगे। अली के काबे में विलादत को, आमद को बहाना बना के अली को ना मालूम क्या बनाएंगे। लिहाजा बता दिया सबको जो आपने अदा कर दिया। सुभान अल्लाह। इस इबादत को